दोस्तों नमस्कार। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड केदारनाथ खंड की एक कथा आज हम आपको सुनाते हैं। यह कथा उस समय की है जब रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ थे। रावण ने शिव जी से ज्ञान विज्ञान संग्राम में अजेयता तथा शिव जी की अपेक्षा दोगुने सिर प्राप्त कर लिए। शिव जी के पांच मुख हैं, इसलिए उनसे द्विमुख पाकर रावण दशानन हुआ। ब्रह्मा और शिव जी का वरदान पाकर रावण ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया, जिससे घबराए देवता शिव जी से मिलने शिवलोक गए, जहां दरवाजे पर सभी देवताओं की मुलाकात नंदी से होती है। उस समय नंदी का मुख वानर का था, जिसे देख देवताओं ने नंदी से पूछा कि हे नंदीश्वर, आपका मुख वानर के समान क्यों है? तब नंदी कहते हैं कि एक बार रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम का बढ़ चढ़कर बखान करने लगा। तब उसे मैंने कहा, भाई तुम भी शिवलिंग के पूजक और मैं भी, अतः हम दोनों एक समान हैं, फिर मेरे सामने यह व्यर्थ डींग क्यों हाँकते हो? मेरी बातों को सुनकर रावण ने भी तुम्हारी भांति मेरे वानर मुख होने के कारण को पूछा, तो मैंने उसे बताया कि यह मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। शिव जी तो मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे यह वानर रूप ही मांगा। शिव जी बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा पूर्वक मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दी। जो अभिमान शून्य है, जिनमें दंभ का अभाव होता है, उनको शिव अपना प्रिय समझते हैं। जिसे सुनकर रावण बोला, नंदी मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुख होने से शिव जी की मैं अद्भुत स्तुति कर सकता हूँ। तुम्हारे इस वानर मुख से क्या होगा, तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी, तुमने शिव जी से वानर मुख व्यर्थ में ही मांग लिया। इस प्रकार नंदी का उपहास करते हुए रावण जब वहां से जाने लगा, तो नंदी ने रावण को श्राप देते हुए कहा कि जब कोई महातेजस्वी श्रेष्ठ मानव वानरों के साथ आगे चढ़कर तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य ही मार डालेगा। और यही हुआ। श्री रामचंद्र जी ने वानरों में हनुमान को अपने साथ लेकर रावण का वध कर दिया था। यही कारण है कि शिलाद पुत्र नंदी, जो भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे, महाकपि हनुमान जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जिनकी मदद से श्री रामचंद्र जी ने अहिरावण का वध किया और लंका को जय किया तथा धर्म की रक्षा की। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।